हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज जैसे ही मैं उठा नींद से, देखो ये वाली जो स्टार्टिंग है ना, मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ। इसके पहले जो मैं स्टार्ट किया था वो मतलब हो नहीं पाया, तो ये वाला सबसे लास्ट एंड फाइनल जैसा भी होगा आपके सामने हाजिर होगा भाई। ठीक है, समझ गया। A few moments later. Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, मस्त मॉर्निंग हो चुकी है, बस यही बोल नहीं बोलना था यार। Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, अभी मॉर्निंग हो चुकी है और जैसा कि यार ज्यादा टाइम पास ना करते हुए मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ यार। आज है तारीख 2 फरवरी और 31 जनवरी को मैंने जो व्लॉग बनाया था ना मिनी शिशर का, वो व्लॉग मैंने कल ही अपलोड कर दिया, जो कि 1 फरवरी को पब्लिक कर दिया था। तो आई होप आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो यार जाके देखना, और आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, अभी थोड़ा सा व्लॉग वगैरह शूट करते हैं। कल के दिन तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि यार कल का दिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइम ले लेता हूँ खुद के लिए। और गाइस, आज का व्लॉग तो यार सच में बहुत स्पेशल होने वाला है, बस आप देखते जाओ। और आपको मैं आज उस स्पेशल बात भी बता दूंगा, तो उसके लिए एक्साइटेड रहो। और यार मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बात बताने के लिए। नहाता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ। और अभी यहाँ पर वेदर तो देख सकते हो मुंबई में कैसा है भाई, सब हर जगह बस धूप ही धूप है भाई। गाइस, 2 दिनों से देखा जाए तो ना यार, मतलब कि गर्मी इतनी बढ़ गई है ना यार मुंबई में, बहुत खतरनाक वाली गर्मी है यार। मतलब ऐसे लग रहा है कि यार घर के बाहर ही मत जाए। 10:30 बज रहे हैं अभी। पहले दोस्तों यहाँ से पूरी जो मुंबई सिटी ने दिखाई देती थी, बट अभी यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई देता। दिन भर बस यहाँ पर फॉग ही फॉग रहता है, और दैट्स नॉट फॉग, दैट्स पोल्यूशन, जो मतलब कि 2-3 दिन पहले न्यूज में भी आया था, कि न्यूज में भी बहुत बताया गया था कि यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यार पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है भाई साहब मुंबई में। तो गाइस, अभी मैं तो होता हूँ तैयार वगैरह होता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ। आज तो यार व्लॉग बनाऊंगा मैं, क्योंकि यार बोर हो जाता है व्लॉग नहीं बनाया तो। कल के दिन मतलब इतना बोर हो रहा था ना, पूरा घर में टाइम पास ही हो रहा था। ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, और जो जो नहाने की सामग्री है सारा कुछ करता हूँ, और उसके बाद मिलता हूँ दोस्तों। तो गाइस, अभी फाइनली हो चुके हैं अपनी वीडियो बनाने की तैयारी, क्योंकि दिन भर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बस घर पे था। मुंबई की धूप मतलब यार बात ही मत करो, और मम्मी जी भी बोल सकती है मतलब कि धूप के बारे में थोड़ा कुछ, और बहुत धूप है बाबा, जाओ का नको बाहर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोपहर हो गई थी, तो यार बाहर निकलने से अच्छा यार घर पे बैठो और पिक्चर वगैरह देखो, मस्त मजे करो फैमिली के साथ। बट यहाँ पे अपने साथ है अपने मम्मी बस। और अभी यार मैंने माइक की क्वालिटी थोड़ी चेंज कर दी है, तो आई होप आपको मतलब कि समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो सर ये। और अपने मम्मी को भी मैंने अभी दिखाई, मस्त है ना, मस्त है। मम्मी तो एकदम ऐसे प्यारी प्यारी रिएक्शन देती है, देखो मस्त है, बोले एकदम मस्त है, एकदम धीरे से बात करती है, बट अपना जो माइक है ना भाई साहब, धीरे से भी बात करोगे ना तो कैप्चर कर लेता है, समझ रहे हो। और गाइस, वॉइस क्वालिटी तो यार चेंज कर सकता हूँ, बट यार जो वीडियो क्वालिटी है ना वो थोड़ी डर आ रही होगी, क्योंकि ना यार माइक क्वालिटी जब बढ़ती है ना तो वीडियो क्वालिटी कम हो जाती है। ऐसा मतलब हर चीज़ में ऐसा ही होता है यार, एक चीज़ अपने को अच्छी मिलती है तो दूसरी चीज़ मतलब कि कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ऐसे ही होता है यार। और ना गाइस, घर में बैठकर वैसे भी कुछ काम नहीं होता, तो यार ऐसी चीज़ें मैं बहुत करते रहता हूँ। और गाइस, कभी कभी समझता ही नहीं यार कि क्या करे क्या नहीं करे, तो उसके लिए क्लिक होना चाहिए जल्दी, तो देखते हैं यार क्या क्लिक होता है मेरे दिमाग के अंदर। तो वैसे तो यार मैं जेन्युइनली जो है वैसे व्लॉग बनाता हूँ, वैसे ही यार टाइम पास हो जाता है, पिक्चर देखो, मम्मी के साथ बैठो। तो मम्मी के साथ बैठना मतलब टाइम पास तो नहीं यार, वो मतलब कि पल ही अलग रहते हैं, तो वो चीज़ उसके अंदर से निकालते हैं टाइम पास मतलब टाइम पास। तो यार देखते हैं, थोड़ी देर के बाद जाता हूँ बाहर। और भाई सब खुर्सी आवाज़ निकालने लगी, क्या हो गया लगता है, आई होप यार कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। मुझे तो लगा अभी गई कुर्सी, कट करके आवाज आई, टूट कर गिर गई लगता है। मम्मी से आज मार खाऊंगा, दोपहर में घर पे कोई नहीं है। सो गाइस, बैठे बैठे एक बात और बता देता हूँ कि ये साइड का रास्ता जाता है कोपर खेलने, और ये साइड का रास्ता जाता है साईं बाबा टेम्पल। भाई साहब, इलेक्ट्रिकल टमटम कब से निकल गई भाई, पहली बार ही देखे मैंने। बाय द वे यार, मैं अभी आया था यहाँ पे साईं बाबा के, यहाँ पे घर से निकलने के बाद पहली जो जगह आती है मन में वो यही है, क्योंकि घर के बहुत पास है ना। और यहाँ पे यार साइकिल लेके आने के बाद तो यार मज़ा ही आता है, मतलब कि मन चाहे जगह पे खुद जा सकते हो, अगर चल के आता तो यार बहुत बोर होता सच में। बट यार चल के भी बहुत से हमने व्लॉग यहाँ पे बनाए, बट अभी यहाँ पे साइकिल है तो यार साइकिल पे व्लॉग बना रहा हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे मतलब कि गुरुवार के दिन बहुत भीड़ रहती है, बट आज तो है बुधवार, अरे यार आज भी गुरुवार है ना। और भाई ऊपर जो मौसम हो रखा है ना, एक नंबर लग रहा है यार यहाँ पे, मतलब कि ऐसे लग रहा है कि सही टाइम पर आया मैं, वरना अगर दोपहर में आता ना यार, एक तो यार इतनी तेज़ हवा चलती है और उसमें मतलब इतना नॉइस कैंसिलेशन यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद अभी तो यार बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे शांति है हर जगह, बस यार ट्रैफिक वगैरह हो तो यार
मुंबई की खास बात है ट्रैफिक। तो बाय द वे मैंने तो यार यहाँ के एक दो चक्कर मार लिए, मतलब कि वहाँ से वहाँ तक अपना एक राउंड हो चुका है। तो लेट्स गो, अभी एक और करते हैं और उसके बाद देखते हैं दिन ढल जाएगा शायद, बिकॉज अभी इतना मस्त माहौल हो, बिकॉज अभी इतना मस्त वेदर हो गया है ना भाई, सब क्या ही बताए। और ये हम साई बाबा टेम्पल के सड़कों पे, देखो भाई साहब क्या ही व्यू, देखो कितना बढ़िया आ रहा है वाइड एंगल। बट बस यही वाइड एंगल अगर अच्छे क्वालिटी में होता ना भाई साहब, तो अपने डेली व्लॉग्स तो वैसे भी आते हैं, उसके बाद क्वालिटी व्लॉग्स भी आते भाई भाई साहब फॉर्चुनर। वेट 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 वेट, एक आपको बात ही बताने रह गए भाई, यहाँ पर घनसोली में और वाशी में क्या ही बताओ आपको, फ्लेमिंगो का इतना सबको भूत सवार है ना नवी मुंबई महानगर पालिका, फ्लेमिंगो सिटी, मतलब कि यार इसे मतलब कि नवी मुंबई को फ्लेमिंगो सिटी बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि ना यहाँ पे हर जगह बस फ्लेमिंगो आपको मतलब कि मिल रहे, और हर जगह बस ऐसे बोर्ड लगाकर उनकी एक खास बात बताई जा रही है। वहाँ पर लगाया था कि वो पानी में स्पीड जब उनको लगती है ना, तब वो पानी में भागते हैं भाई, तैरते नहीं भागते। फ्लेमिंगो पक्षी एका पायावर उभे राहू शकतात आणि ते या स्थितीत झोपू पण शकतात। और गाइस यहाँ पे है अंदर की तरफ है तालाब, आप जाओगे ना तब भी आपको ये नज़र आएगा, आई होप कि नज़र आए अगर गए तो कभी। बट यार अभी तो नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि अभी शाम होने को आ गई, देख सकते हो दिन ढल गया पूरा। और अभी यहाँ पे फ्लेमिंगो के बारे में कुछ कुछ बता रखा है, डोलते हैं यहाँ पे साइकिल पे। और गाइस जैसे जैसे यहाँ पे रात होती जाएगी ना, कैमरा क्वालिटी डल होती जाएगी। और गाइस कुछ भी बोलो भाई, साइकिलिंग पे ऐसे व्लॉगिंग करने में जो मज़ा आता है ना, और यहाँ की सड़कें देखो इतनी बढ़िया है ना भाई, साइकिल एकदम स्मूथ में चलेगी। बस वो पीछे की तरफ जो रास्ता है ना, वहाँ पे जरा रास्ते की कंडीशन अच्छी नहीं है। सो गाइस यहाँ पे चल रही है फुल डॉल्बी की प्रैक्टिस, देख सकते हो, और जो सुनने को मिल रहा है ना यार गजब गजब गाने, यहाँ पे गाना बज रहा है अबड़ी पोड़े लो, मतलब कि अगर गली के बच्चे होते ना यार यहाँ पे आज के नाचते फुल धूम मचाते। और गाइस बहुत हो गए व्लॉगिंग, अभी सिनेमैटिक चेक करो थोड़ा सा। सो अभी गाइस मैं खड़ा था यहाँ पे साईं बाबा के यहाँ पे, और बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि यार ये रास्ते पे जो लगाते हैं ना लाइटिंग के ब्रिक्स जो कि रात के वक्त चमकते हैं, उसके अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, मतलब कि ये देखो ये पट्टी होती है, उसके अंदर मतलब लाइट ग्लो करती है, और उसके बाद जो कलर है ना वो ग्लो करता है, उसकी वजह से ना ये सब चमकता है। तो ये मतलब कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने बताया। Many hours later. गाइस अभी यहाँ पर बज रहे रात के 12 भाई साहब, मतलब कि ये क्या टाइमिंग है मुझे भी नहीं समझ रहा आज का, मतलब कि ये व्लॉग मेरे लिए क्यों स्पेशल था, क्योंकि आज फरवरी का ये मैं सबसे पहला व्लॉग डाल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको अगर बीच में ही छोड़ दूंगा ना तो यार वो कंसिस्टेंसी रहेगी नहीं, वो कंप्लीट व्लॉग लगेगा नहीं, तो इसलिए मेरे खुद की इच्छा नहीं थी यार इसको बीच में छोड़ने की। तो इसलिए रात के 12 बजे जिस वक्त मैं इस व्लॉग को स्टार्ट करूंगा बनाने के लिए, उसी वक्त अपन व्लॉग को एंड करेंगे। 12 बज रहे दिख रहा होगा, 12:07 हो रहे। फिलहाल इस वाले व्लॉग को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या होगा क्या पता भाई, पीछे की तरफ लफड़ा होगा लगता है भाई सब। चलो चलो लफड़ा देखते, चलो चलो लफड़ा देखते। का यार का